बच्चों भाइयों का हाथ में कुछ तूफानी करता हूँ, देखते हैं यहाँ से कूदने में क्या होता है। बाप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाप रे भाई तो मजा ही आ जाएगा। चलो बाप रे भाई कितना ऊंचा है। बाप रे भाई, बाप रे भाई, अरे बचाओ 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 बचाओ। मैं कौन सी दुनिया में आ गया यार। बाप रे भाई ये कहाँ आ गया मैं। लगता है मेरा एक्सीडेंट होने से मैं दूसरे दुनिया में आ गया। बताओ यार ये कौन सा दुनिया है यार। भूतनी के तुम दूसरे दुनिया में आ गए हो। तुम 2050 ईस्वी में एक गए हो। बाप रे भाई ये साली तो मुझे गाली दे रही है। मैं 2050 ईस्वी में आ गया, इसका मतलब मैं सब कुछ आगे का देख सकता हूँ। तो भाई लोग जैसा कि आप लोगों ने देखा मैं 2050 ईस्वी में आ चुका हूँ, यानी कि बहुत आगे। चलो रॉक भैया के साथ देखता हूँ रॉक भैया किस हाल में है। हेलो रॉक भैया। हाँ बेटे तुम कौन हो बेटे। अरे रॉक भैया मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आप कितने साल के हो चुके हो। बेटे मैं तो 90 साल का हूँ बेटे। बाप रे भाई ये तो रॉक भैया बुढ़ा हो गए हैं। भैया मुझे पहचानते हो, मैं 30 हूँ। अरे तुमको तो नहीं पहचानता बेटे, लेकिन तुम्हारा आवाज मेरे दोस्त के ऐसा मिलता है। वो तो कब का गुजर गया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अच्छा बाबा 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 ये बताओ कहाँ गुजर गया, किस जगह पे गुजर गया है यतीश भाई। अरे यतीश का तो एक्सीडेंट हो गया था बेटे, वो तो कब का चला गया। तुम जाओ अपने बच्चे लोग के साथ खेलो। बाबा बाबा मुझे लोग के साथ मुझे किक कर दिया यार। सो भाई लोग अगर इस वीडियो में आपको हंसी आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और आप लोग कमेंट में ये बताओ कि अगला नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या ना आना चाहिए। धन्यवाद मेरे भाई लोग। ओके ओके।